दोस्तों नमस्कार, आपका ए टू जेड न्यूज चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज बॉलीवुड से बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है, बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। अक्षय कुमार फिर युद्ध के मैदान में, अब बनेंगे भारत के अंतिम हिंदू राजा। दोस्तों ये बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है, अक्षय कुमार अब पृथ्वीराज चौहान का रोल निभाएंगे। दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों आपसे प्लीज़ एक छोटा सा निवेदन है, आप इस वीडियो को एक बार पूरा देखें, मिस बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो अक्षय कुमार की लेटेस्ट मूवी आ रही है उसके बारे में हम आपसे पूरी बात करेंगे। तो दोस्तों आपसे निवेदन है वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि आप हमारे जो नीचे देखिए लाल कलर का सब्सक्राइब का जो बटन है उसको प्लीज़ आप दबा लीजिए, जिससे हमारे न्यू वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो दोस्तों ज़्यादा बात ना करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिसने भी ये सोचा कि मैं डर गया, वो साला अर्थी पे अपने घर गया। राठौड़, विक्रम राठौड़। मैं नहीं डरता, मौत डरती है मुझसे। मौत में इतना दम नहीं कि मेरे सामने आ सके। दोस्तों अक्षय कुमार की बहुत ही बड़ी मूवी आ रही है, भारत के अंतिम हिंदू क्षत्रिय राजा कहे जाने वाले पृथ्वीराज चौहान के जीवन पे बनने वाली फिल्म। अक्षय कुमार का लीड रोल में काम करना तय हो गया है। ये फिल्म इस साल के साल में शुरू होगी और साल इसे रिलीज किया जाएगा, अगले साल इसको रिलीज कर दिया जाएगा। इस फिल्म के साथ अक्षय कुमार एक बार फिर युद्ध के मैदान में होंगे। इस बार उनकी फिल्म केसरी रिलीज होने वाली है, जो बैटल ऑफ सारागढ़ी पर आधारित है। ये फिल्म इस साल होली के मौके पर रिलीज होगी और इसके बाद ही अक्षय एक तरीके से पृथ्वीराज चौहान को लेकर अपना अभियान शुरू करेंगे। यह फिल्म यशराज प्रोडक्शन प्रोड्यूस करेगा, जबकि चाणक्य फेम डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी इस फिल्म को निर्देशित करेंगे। हालांकि इस बात की अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, लेकिन सूत्रों के मुताबिक, जो अपने अंदरूनी सूत्र हैं उनके मुताबिक, अक्षय कुमार जल्द ही अपने रोल के लिए तैयारी शुरू कर सकते हैं। चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान का कार्यकाल 1178 से 1192 के बीच में रहा। उनका साम्राज्य अजमेर से दिल्ली तक फैला था। सिर्फ 15 साल की उम्र में राजा के सिंहासन पर बैठे पृथ्वीराज की 13 रानियां थी, लेकिन उनकी संयोगिता के साथ की प्रेम कहानी हमेशा से फेमस रही। उन्होंने मोहम्मद गोरी के साथ कई बार युद्ध किया और उसे बंदी तक बना लिया, लेकिन एक युद्ध में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर विजय पाई और उन्हें बंदी बनाकर कई तरीके से प्रताड़ित किया। वो अंधे तक हो गए। बाद में पृथ्वीराज ने चंद बरदाई के साथ मिलकर योजना बनाई और शब्द भेदी बाण से गौरी को खात्मा किया। राव चंद बरदाई भट्ट ने अपनी किताब पृथ्वीराज रासों में इस योद्धा के बारे में विस्तार से बताया है। कुछ समय पहले सनी देओल ने भी कहा था कि वह पृथ्वीराज चौहान की बायोपिक पे काम कर रहे थे, लेकिन किसी वजह से उन्होंने वो प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ा। पिछले दिनों अक्षय से ये पूछा गया कि पृथ्वीराज चौहान तो थोड़े मोटे थे, तो क्या वह किरदार के लिए वजन बढ़ाएंगे। इस पर अक्षय ने मजाक के अंदाज में कहा कि क्या आपने देखा है उन्हें, वजन को लेकर मैं बहुत नेचुरल प्रोसेस पर यकीन करता हूँ, मैं थोड़ा बहुत वजन बढ़ा सकता हूँ, लेकिन अत्यधिक प्रेशर देकर कभी भी कुछ भी करने में यकीन नहीं करता हूँ और नहीं मैं कभी कर पाऊँगा। तो दोस्तों देखने वाली बात होगी, जल्द ही अक्षय कुमार एक तरीके से नई रोल में कैसे लगेंगे, कैसा उनकी मूवी होगी। तो प्लीज़ दोस्तों आप कमेंट्स बॉक्स में एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, उसके बारे में भी बताएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।